स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, शिवम आप लोगों के सामने यूट्यूब पर, क्योंकि SSC GD जो वैकेंसी आई ना, इसमें थोड़ा लोचा है। इसमें कई सारे बच्चे जो एज लिमिट दी गई है, उससे कई सारे लड़के बाहर जा रहे हैं इससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रणनीति क्या रहेगी जो SSC बोर्ड हमें लोगों को इसमें भर्ती में मौका दे। ठीक है, इसका रीजन ये रहेगा क्योंकि जो जिस आपने नोटिस किया होगा, जब वैकेंसी मार्च में आई थी ना, तो उस समय लिखा था 1721 एज लिमिट, लेकिन जो इन्होंने अभी जो कल नाइट में और नोटिफिकेशन दिया है ना, उसमें लिखा है 1821। तो यार ऐसा कैसे चलेगा, ये थोड़ी के मनमानी है। युवाओं के साथ रोजगार के बेरोजगार के साथ कोई भी, मतलब कोई भी आए खेले आके, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। लेकिन हम लोग ये करेंगे, हम लोगों को इस समय बिल्कुल एकजुट होने की जरूरत है। अगर हम लोगों को यहाँ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ सुने की नहीं SSC हमारी। ठीक है, उन्हें हम लोगों को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो 1 महीने पहले अपडेट दी थी कि हम जो बच्चों की एज लिमिट ले रहे हैं ना, वो 1/7/2021 से ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो उन्होंने जो कल नाइट में, जिस आज से ऑनलाइन चालू हो गए ना फॉर्म, तो हम लोगों को क्या है, अभी हाल फिलहाल में भर्ती बोर्ड को अवगत कराना है कि ये आपने क्यों किया, ऐसा कैसे किया। ये थोड़े कि आपकी घर की सरकार है, आप कुछ भी करो, मन चाहे कुछ भी करो बेरोजगार के साथ, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और आप कोशिश ये करेंगे कि आप लोग पहले हमें एक, सब लोग एकजुट होकर हमें मैसेज करें, क्योंकि हम इसका हल निकालेंगे और उसका बेस्ट बेस्ट तरीका निकालेंगे जो हम लोगों को इस भर्ती में अप्लाई करने का मौका मिले। और हम पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं, कहीं कोर्ट भी आना पड़े वहाँ भी तैयार जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्त। आप कमेंट करना, कृपया वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लोगों को फैलाएं, क्योंकि जितने बंदे हमारे रह गए फॉर्म, जिसने फॉर्म नहीं डाल पाया, अब उसको मौका मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं शिवम कहता हूँ, आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्त, बाय, ओके।